आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु चार महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। देवशयनी का व्रत करने से मानधाता राजा। तो दोस्तों, शुरू में आप लोगों ने जैसी स्टोरी वाली कहानी देखा, वो स्टोरी आप देखें कितना रियल वॉइस था, ठीक है, और उस प्रकार के वॉइस में, और वैसे हूबहू सेम वीडियो। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक चैनल भी है जिसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए 114 वीडियो ऑनली और 237,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं वीडियो में। दोस्तों देखिए, वीडियो में कल वाला वीडियो 200,000 व्यूज़ है, लगभग 1.9 लाख, यानी 200,000 यहाँ पर, 100,000 यहाँ पर, 20,000, 100,000 इस प्रकार से। और यहाँ पर दोस्तों पॉपुलर पर क्लिक करो, देख सकते हो 42 लाख, 19 लाख, 17 लाख, 12 लाख, इस प्रकार से हर एक वीडियो में लाखों मिलियनों में व्यूज़ है। यह है भक्ति कथा से रिलेटेड जो है वीडियो, ठीक है। बैक करके दोस्तों एक चैनल में दिखाता हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था इस चैनल के विषय में, और ऐसा हो बहु भक्ति वाले वीडियो बनाना सिखाया भी है। इसमें इमेजेस का यूज़ करके वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसमें जो है इमेज का यूज़ करके। और इस प्रकार का दोस्तों आप वीडियो आप भी कैसे बनाएंगे, अगर ये वाला वीडियो बनाना सीखना है आपको इमेज का यूज़ करके सेम वही आवाज़ में, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। कल परसों वीडियो डाला हूँ चैनल पर, जाकर के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों ये वाला बताऊँगा कि अभी जो है मैंने यहाँ पर जो अभी दिखाया आपको, सुविचार विद प्रीति, इनका जो चैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर लाखों मिलियनों में व्यूज आता है, कैसी वीडियो है देख सकते हैं। इनको मैं प्ले करके आपको जस्ट दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर स्टोरी चलता है। देखिए एड तो भड़बड़ के आता है, चैनल भी मोनिटाइज भाई, यहाँ पर सुपर थैंक्स का बटन आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि चैनल मोनिटाइज नहीं है। इस पर देखो काइंड मास्टर का लोगो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने और भी कई सारे वीडियो दिखाए भाई, लोगों से इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो केवल आपका बस वीडियो वो पहचान है कि आप किस वीडियो किस जो है वीडियो एडिटर एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट किए हो, तो ये थोड़ा देखने में बस खराब लगेगा, चैनल मोनिटाइजेशन में कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का तो ऑनर आप ही हो भाई, आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहानी इस प्रकार से स्क्रॉल हो रही है, और इसमें वॉइस ओवर भी किया गया है। किसान रहता था, उस किसान, तो ये दोस्तों लेडीज का भी आवाज है, अभी मैं वो एप्लीकेशन दिखाऊंगा उसमें यही सेम हूबहू लेडीज का भी आवाज है और जेंट्स का भी आवाज है, मैंने जेंट्स की आवाज में आपको सुनाया, तो वहाँ पर लेडीज़ का भी आवाज़ है, आप जो भी लेना चाहो यही हूबहू सेम आवाज़ है। कौन सा एप्लीकेशन क्या कुछ है वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा तभी आप सीख पाओगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले चैनल पर पहली बार आते हैं इसे दबाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बाद में भूल जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों को परेशानी हुआ था, क्यों, क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं देखे थे, इसलिए आपको निवेदन आप सब जी से कंप्लीट देखिएगा, कहीं कोई स्टेप मिस करिएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों ये देखिए बैकग्राउंड को मैंने जो है यहाँ से क्रिएट किया पिक्सल लैब से, मैं फिर से आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने फिर से रिफ्रेश पिक्सल लैब को ओपन किया, यहाँ 3 डॉट ऊपर में दिख रहा है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज सर्च, यहाँ पर इमेज साइज है, आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए इमेज साइज में कस्टम है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल कर देना है, ठीक है, कस्टम नहीं रहने देना, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। YouTube थंबनेल के आकार का हो गया 16:9 रेशियो में, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ए को सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में कैसा चाहिए, रेड वाला। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे नीचे जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर कलर वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ से रेड कर देना है, बैकग्राउंड को पहले रेड करना है, ठीक है। पहले हमने रेड किया फिर डन कर दिया, अब यहाँ से फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेप्स ले लेंगे। सेप्स को लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रकार से हम स्क्रॉल करेंगे, इधर भी स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और इधर पूरा फुल कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं ये हमने लिया, यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो वाइट है इसको थोड़ा येलो, हल्का सा येलो करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच वाले तीसरे नंबर यानी बीच वाले पे जो क्लिक करेंगे और उसका एनिमेशन यहाँ से होगा, कलर फील्ड पर क्लिक करेंगे, ये तो रेड हो गया, तो रेड हमें नहीं करना है, हमें ये वाला कलर देना है, ठीक है, ये कलर। अगर आप में ये नहीं हो तो क्या करना है, आपको यहाँ से देखिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों इस जगह पर आपको कलर को यहाँ से देखिए कम बेसी फीका जैसा हो आपको अपना ठीक लगे अपने हिसाब से यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा देखिए हल्का डिप गुलाबी में हल्का सा ऐसा आएगा, जो भी मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसमें
ठीक है। अब यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टम है, इसको अल्ट्रा हाई क्वालिटी, सबसे हाई क्वालिटी अल्ट्रा, सेव टू गैलरी, ये हमारा गैलरी में चला गया, ठीक है, ये हमारा गैलरी में चला गया। अब इसे हम कट कर देते हैं, हमें पिक्सल लैब की आवश्यकता नहीं, इसे ओपन क्लोज कर दिए। अब हमें क्या करना है, पहले स्टोरी लाना है, फिर वॉइस को जनरेट करना है, फिर उससे हमें वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिए स्टोरी कहाँ से लाना है, गूगल, तो यहाँ पर खजाना भंडार है, जैसे यहाँ से मैंने ये स्टोरी लिया था, यहाँ पर देखिए भर भर के स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपको दोस्तों एकादशी, जैसे मुझे एकादशी व्रत कथा चाहिए था, मैंने यहाँ पर सर्च किया एकादशी व्रत कथा, यही नहीं बहुत सारे वेबसाइट पे खुला है, ठीक है, वीडियोस वगैरह भी आए हैं, बहुत सारे वेबसाइट है जिस पर आप जाएंगे, आपको कथा वहाँ से कॉपी कर लेना, मैं यही से किया। अभी उसके बाद दोस्तों आपको शिव जी का कथा चाहिए, एकादशी व्रत वाला चाहिए, तो एकादशी व्रत वाला यहाँ पर कथा लेना है, यहाँ पर आपको जस्ट ओपन कर देना है, जो चाहिए यहाँ पर आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप ओपन किए देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है आ गया है, ठीक है, ओपन, ये हमारा स्टोरी है, ये कहानी है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको कोई सा भी एक जो है इसी को मैं मान लीजिए एडिटिंग करके आपको बस कहानी बनाना यहाँ सिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए स्टोरी हमारा कहाँ से जहाँ से शुरू है, आपको क्या क्या डालना है, ये हेडिंग हो गया वो भी डालना है आप अपने हिसाब से, यहाँ से जैसे मेरा यहाँ से कहानी शुरू है, मैं यहाँ से पकड़ा और एक तरफ से यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, सबको यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद आकर के यहाँ पर मैं देखिए वो जिसमें हम वॉइस को जनरेट करेंगे वो हमारा है ये रियल वॉइस एप्लीकेशन। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा था कि रियल वॉइस में वॉइस जनरेट नहीं कर पा रहे, इस पर मैंने परसों एक वीडियो बनाया था फुल सेटिंग वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, जाकर फॉलो करिएगा, ये टेक्स्ट टू स्पीच में आप वॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको वो वीडियो देखना होगा अगर परेशानी हो तो। फिर भी मैं इस वीडियो में अभी कंप्लीट बताता हूँ। इसमें देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों, हिंदी इंडिया, आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है, हिंदी इंडिया। उसके बाद देखिए यहाँ वॉइस नहीं है, वॉइस को भी सेलेक्ट करना होगा वरना ये कुछ काम नहीं करेगा। पहले ऊपर हिंदी इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर वॉइस को सेलेक्ट करना है। देखिए फीमेल, ये वही साउंड है फीमेल जो मैंने सुनाया सुविचार वाले में, वो चैनल पर, ये फीमेल का है तो मुझे मेल में चाहिए। तो हालांकि मैंने शुरुआत में आपको मेल वाला सुना दिया था, मैं फीमेल करता हूँ, ठीक है, मैंने फीमेल का वॉइस लिया। अब यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूँ, कहानी पूरा मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, इतना बड़ा वॉइस जनरेट होगा भाव। इसमें देखिए अब ये सब जो है ना दिन तारीख इंग्लिश वाला ये सब आ गया है, ये सबको आपको थोड़ा एडिटिंग करके सबको कट करके हटाना होगा, यहाँ से ये सबको कट करना होगा बीच बीच से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सब जो है ये जो भी आएगा इसको थोड़ा सा आपको एडिटिंग कर देना होगा, बाद बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमें कॉपी करना है और इस पर लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, देव शनि व्रत, ये हो गया, बस थोड़ा सा डेट वेट रहेगा उसको काट के हटा देना है। ये हमारा हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए 2000 बाइट्स में दोस्तों एक बार में आप जनरेट कर सकते हैं, मेरा 1924 बाइट्स हुआ है, यानी कि यहाँ से साउंड जनरेट हो जाएगा। आपको 2000 से ज़्यादा बाइट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्री है, तो एक लिमिट है, लिमिट एक बार में यहाँ से 10 बार आप अपलोड करो, 10 बार जो है यहाँ से एक डेढ़, इसमें लगभग डेढ़ दो मिनट का वीडियो, यहाँ से डेढ़ दो मिनट का साउंड बन जाएगा इतना में, ठीक है, डेढ़ दो मिनट का अगर बन जाता है तो आप 10 मिनट का बनाना है, यहाँ से 5 बार एक्सपोर्ट कर लो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, आपको इसमें ये बिल्कुल फ्री है तो आपको कुछ देखिए 5 सेकंड का एड आया, 5 सेकंड का एड आया, हमने स्किप कर दिया, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का आपको एड देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर वॉइस को मैं पहले प्रीव्यू करके आपको सुना देता हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। देखिए तो ये लगभग 5-10 सेकंड आपको सुनाएगा, प्रीव्यू है, अभी फुल वॉइस डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू एड एंड डाउनलोड फुल वॉइस, तो आपको एक प्रचार देखना होगा तब आपका वॉइस जो है डाउनलोड होगा, तो पूरा प्रक्रिया आपको देखना है वरना आपके गैलरी में जाएगा नहीं। यहाँ पर पूरा स्टेप देखिए, अभी हमने एड देख रहे हैं, ये लिखिए 14 सेकंड का एड आया, 15 सेकंड का, ठीक है, मैंने कहा ना 10 सेकंड, 15 सेकंड, हाईएस्ट 30 सेकंड का आता है, कभी कभार 30 सेकंड का आ जाता है। देखिए यहाँ पर 15 सेकंड में स्किप हो जाएगा और उसके बाद हम अपने वॉइस को गैलरी में डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कट कर देंगे, देखिए क्लोज का ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ घबराना नहीं है कि ये 9 सेकंड का साउंड, ये नहीं है, बहुत लोग ये घबरा जाता है। यहाँ पर डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो उसका कितना मिनट का वो दिखा देगा, तो हमें प्ले नहीं करना है, हमें जस्ट यहाँ डाउनलोड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्लीज़ रीनेम योर ऑडियो फाइल
मैनेज योर ऑडियो काइनमास्टर, क्लिक हियर टू फॉलो स्टेप। यहाँ पर स्टेप पर क्लिक करके यहाँ से आप इसका नाम को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे नाम चेंज नहीं करना है, जहाँ जाता है जाने दीजिए। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, बस यहाँ डाउनलोडिंग देखिए सक्सेसफुली, ये हमारा डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब हम काइनमास्टर में आते हैं और देखिए हम वीडियो को कैसे क्रिएट करते हैं। तो काइनमास्टर में आएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर रियल वॉइस वाले एप्लीकेशन में जाते हैं और इसे बैक करते हैं। और ये तो पूरा बैक हो जाएगा ना, बैक हो गया। इसको बैक हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें वो स्टोरी जो हम अभी जनरेट करेंगे जिस पर वॉइस, वो स्टोरी हमें चाहिए, क्योंकि स्क्रॉल जो होगा तो यहाँ से ये वाला हमारा जो स्टोरी था ये हमने यहाँ से फिर से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें आना है काइनमास्टर में, तो हम काइनमास्टर में आ गए। यहाँ पर आपको सब स्टेप को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। काइनमास्टर जैसे ओपन होगा आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर से क्रिएट, क्रिएट न्यू पर। अब वो हमारा पिक्सल ले में, देखिए ये हमने जो है ये वाला बैकग्राउंड को डाउनलोड किया है। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, इसको इस प्रकार से खींचना है। कितने मिनट का वीडियो बनाओगे, 2 मिनट, 3 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का? कम से कम आप 7-8 मिनट, 9 मिनट के तो बनाओगे, 8-9 मिनट, 10 मिनट, वही वीडियो वायरल होते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट का वीडियो वायरल नहीं होता है। बस मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो 1-2 मिनट का वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेयर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर लेयर पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ला करके सारा कहानी को पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक बार में इतना सारा कहानी आया है, वाह बहुत सारा आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से नीचे वाला ही चाहिए। ठीक है, ये है हमारा शायद कहानी का हिस्सा, तो हम यहाँ से इसे क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और ये सब को कैंसिल कर देते हैं। फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, जो हमारा मतलब जो हमारा कहानी था उसी को केवल हमें कॉपी करना है। ठीक है, सबको नहीं करना है। तो ये हमारा कहानी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इसको हमें एडिट करना है। जैसे यहाँ पर आप डन पर क्लिक करेंगे, देखिए एक लाइन में हो गया। इसको क्या करना है, लाइन बाय लाइन करना है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से कट लगाना है, देख सकते हो यहाँ पर कट करना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर डन कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कलर को ब्लैक कर देना है और यहाँ पर फॉन्ट दिख रहा है इसको बोल्ड कर देना है, हमने बोल्ड कर दिया। अब इसको पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर वाला लाइन देखिए ठीक है। फिर से एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से सब लाइन को कट करना है। देखिए जितना लाइन को कट करेंगे डबल लाइन, बाद बाकी ये सिंगल लाइन दिखेगा, सबको कट करके एरो से सबको कट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कट लगाएंगे, देखिए मतलब कट क्या है, एरो एरो जैसे क्लिक करेंगे नीचे हो जाएगा वो लाइन हूबहू, देखिए ऑटोमेटिक से नीचे हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कट एरो लगाएंगे, यहाँ पर हम एरो लगाएंगे, फिर यहाँ से जो हम मतलब एंटर दबाएंगे तो हमारा जो है सब ऑटोमेटिक से नीचे होता जाएगा। फिर यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे आके हम जो है एरो दबाएंगे, हो गया। ठीक है, इसको हम ओपन करते, देखिए इस प्रकार से एक लाइन में हमारा आ गया। तो अब दोस्तों ये हमारा सिंगल लाइन में जो है नहीं बन रहा है, देखिए कुछ हाइड हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट हम आधा को, आधा हो या इतना, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आधा को कट कर देते हैं और आधा इतना को हम जो है एक बार में लेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये, इसको क्या करना है, जैसे हमने आधा लिया अब इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पर छुपाना है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में रहेगा, इसको सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग में रखना है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से हमने छुपा दिया। ठीक है, देख सकते हैं ये छुपा दिए, इसको खिसका करके अंत में लाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको इस साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस का आइकन, इस पर एक बार टैप कर देना है। तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब इसको खिसका के ऊपर कर दीजिए, सीधा सीधा ऐसे खिसका, ऐसे ऐसे खिसका के पार कर देना, उस पार धकेल देना है, ख़त्म। अब देखिए इस प्रकार से आप जैसे प्ले करेंगे देखिए ये फास्ट हो रहा है। खैर, अब हमें साउंड को लाना है, पहले इसको 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 जितना लंबा करेंगे ये और धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, पहले साउंड को ले आते हैं। यहाँ पर देखिए ऑडियो पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, एल्बम में जाना है, यहाँ रियल वॉइस वो एप्लीकेशन का नाम था तो रियल वॉइस हमने लिया, और सबसे नीचे में ये वाला हमारा साउंड है। पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए, देखिए ये है, तो हमने इसे डन कर दिया और यहाँ से दोस्तों इसे हम जो है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का लाइन भी तो हमको लाना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर फिर से हमें लेयर पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर इस कहानी को पेस्ट कर देना है। ये जो हमने लिखा था इसको पेस्ट करके यहाँ ओके कर देंगे। इसका भी कलर को यहाँ से जा कर के हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और इसको इस प्रकार से हम फिल कर देंगे पूरा, ठीक है। देखिए फिल हो गया। अब इसको पहले प्ले करते हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु चार महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके पीछे पीछे ये स्टोरी भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये कहानी को हमें इसको यहाँ पर लाना है। इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ तक आएगा, ये कहानी वहाँ जाएगा, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको डाउन कर देंगे, ये देखिए वो जैसे ही ऊपर उठेगा उसके साथ साथ ये भी कहानी आना चाहिए। तो इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, देखिए वो यहाँ है, इस जगह पर रहेगा, उसके नीचे ये कहानी यहाँ तक, इसको स्क्रॉल करके ले आए। देखिए इसको कम बेसी कर सकते हैं, तो ये यहाँ तक जैसे ऊपर चला गया, ये जैसे एंड ख़त्म होने वाला है यहाँ तक हमको खींच करके इसको ले आना है, ठीक है। इसको हमें और थोड़ा आगे लाना है यहाँ तक, देखिए बस यहीं तक रहने देना, यहाँ कट कर देंगे इस साइड को। अब देखिए इससे हमारा एडिटिंग कैसे होगा, यहाँ तक हमने ले आया, अब क्या करना है हमको इसमें एनिमेशन देना है। फिर से इसको इसको भी क्लिक किए और इसको भी पहले छोटा कर लेते हैं ताकि एनिमेशन करने में हमें सुविधा होगा, हम छोटा कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको फर्स्ट में, ये वाला कहानी हमारा फर्स्ट में, इसको इस प्रकार से खिसका करके इसमें एनिमेशन देना है। ये की फ्रेम को चालू करना है तो यहाँ पर लास्ट में लाए इसका, इस पर प्लस वाला आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इसको स्क्रॉल करके अंत में भेज देंगे, ऊपर ऊपर कर देंगे सीधा, चला गया। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से प्ले होगा कुछ। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु चार महीने, तो ये बहुत फास्ट चल रहा है, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, जितना लंबा करेंगे ये फिर उतना स्लो चलेगा। विष्णु चार महीने के लिए निद्रा में चले, देख सकते हैं ये लगभग 8 सेकंड 9 सेकंड का है, तो 9 ये भी यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ तक कट लगा देना है, लगभग इतना बराबर रखेंगे, ये भी उसी के बराबर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको विष्णु चार महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा, ठीक है। इस प्रकार से एनिमेशन आपको करना है, निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं देखिए ये जो हमारा कहानी जो है दोस्तों साथ साथ अब चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एनिमेशन करना होगा। एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, तो हमने यहाँ पर केवल कम टेक्स्ट लिया था जिसके वजह से ये थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है, आपको पूरा भर के लेना है, ज़्यादा टेक्स्ट को पेस्ट करना है जिसके वजह से ये आपको जो है कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। इसके आगे फिर से आपको पेस्ट करना है थोड़ा लंबा लंबा, ठीक है। मैंने केवल दिखाने के लिए आपको बनाया है, इतना सब कुछ एक ही वीडियो में समझाया जिसके वजह से मेरा जो है वीडियो 15-20 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना भी है, बस आप क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस प्रकार का दोस्तों उसके लिए थंबनेल जो बनाना है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा वैसा थंबनेल बनाना, मैंने बहुत सारे 3-4 वीडियो होगा आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।